युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष देवेंद्र भास्कर ने कोतवाली पहुंचकर आवेदन दिया, जिसमें युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष देवेंद्र भास्कर ने बताया कि बीते रोज सोमवार को जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा संपूर्ण टीकमगढ़ जिले में 1 जून तक धारा 144 लगाई गई है और जनता कर्फ्यू लागू किया गया है, जिसका उल्लंघन करने वालों पर 188 के तहत कार्रवाई हो रही है। लेकिन भाजपा एवं युवा मोर्चा के नेताओं के द्वारा गांधी चौराहे पर और अस्पताल चौराहे पर एकत्रित होकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है, जो कि नियम विरुद्ध भी है और इनके खिलाफ अब कार्रवाई होनी चाहिए।